press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज पल चैनल और मैं हूं मनीषा। आज आप जानेंगे गंदी गंदी गालियां देने वाली महिला को 24 दिन के न्यायाधीश हिरासत में भेजा। रामबुद्ध नगर में पुलिस कमिश्नर के अधिकारी ट्वीट हैंडल के ट्वीट करके इस संदर्भ में जानकारी दी गई है। इसके मुताबिक थाना सेक्टर 126 नोएडा क्षेत्र गंड जेपी ग्रीच विंस टाउन में सिक्योरिटी गार्ड के साथ मारपीट के दुर्भर व्यवहार करने वाली महिला को गिरफ्तार कर 24 दिन के न्यायाधीश हिरासत में भेजा। यह वीडियो 20 अगस्त का है। वीडियो में यह महिला सोसाइटी के सिक्योरिटी गार्ड के साथ अधर्भ व्यवहार और गाली गलौज करते हुए दिखाई दे रही है। गार्ड को गंदी गंदी गाली देने और धमकाने वाले इस महिला को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। ये वीडियो नोएडा सेक्टर 126 का एक सोसाइटी का बताया जा रहा है। महिला गार्ड को गंदी गंदी गालियां दे रही हैं और बीच बीच में वो अपने हाथ भी चला रही हैं। सोशल मीडिया पर जो जानकारी मौजूदा है उसके मुताबिक सोसाइटी के गेट पर तैनात एक गार्ड ने सोसाइटी के गेट खोलने पर देरी हो गई। इसमें महिला नाराज हो गई। इसके बाद उन्होंने गार्ड को गंदी गंदी गालियां देनी शुरू कर दी। उन्होंने कुछ ऐसे इशारे भी किए जो अशोभनीय हैं। कैसे शुरू हुआ विवाद? यह महिला काफी गुस्से में थी। गार्ड ने कई बार महिला को समझाने की कोशिश भी की, लेकिन महिला ने पहले तो गंदी गंदी गालियां दी और फिर उसके बाद अपमानजनित इशारे भी किए। आज के लिए इतना ही। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। नमस्कार।